आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं रक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। दबंगों ने गांव गए भाई बहन पर किया जानलेवा हमला। पीड़िता ने दबंगों पर आरोप लगाया कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने भाई को मृत समझ छोड़ा। पिटाई से पीड़िता के भाई के दोनों पैर व हाथ की हड्डियां टूटी। मोबाइल व पीड़िता के गले में पड़ी चैन भी छीनी दबंगों ने। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने गंभीर घायल जिला अस्पताल के आकस्मिक विभाग में कराया भर्ती। घटना एलाऊ थाना क्षेत्र के ग्राम मंचना की। मैनपुरी से सत्येंद्र कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नाम दीपक मिश्रा। कहाँ के रहने वाले आप? मंचना। क्या हुआ आपके साथ? ग्राम प्रधान राम रतन दिवाकर और उनके परिवार वालों ने हमें मारा। हम अपनी दीदी को लेकर गांव जा रहे थे, हमारी बुआ बीमार रहती हैं उनके पास, उसका सनी नाम का उनका भतीजा, उसने रास्ता रोका, दीदी से बदतमीजी करने लगा, बचाओ चूहियों को उन्होंने सरिया और चाकू से हमला करने लगे। दीदी को भागकर घर पे गई और हमें मारते मारते दोनों टांगें तोड़ दी हैं और चाकू से ये हमला, तब तक लोग आ गए, उन्होंने बचाया है। कितने लोग थे वो लोग? वो लोग काफ़ी लोग थे, राम रतन दिवाकर, उनका दोनों लड़के आशीष विवेक कुमार और उनके भाई पवन कुमार और संतराम, उनके लड़के दोनों सनी और अनमोल। पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ, पुलिस हमारा बयान ले गई है। ताऊ थाना क्षेत्र के ग्राम मंचना में एक भाई जब अपनी बहन को लेकर जा रहा था, तभी गांव के कुछ दबंगों ने उसकी बहन के साथ छेड़खानी की। छेड़खानी का जब उसने विरोध किया तो उसके साथ जबरदस्त मारपीट की। क्या पूरा मामला? थाना एलाऊ पर इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, गांव में मारपीट हुई, पुलिस मौके पर पहुंची तो जानकारी हुई दीपक नाम का लड़का, इसके पहले से ही प्रधान से विवाद चल रहा था, वहां गांव में आया हुआ था, दोनों पक्षों में कासमी हुई, प्रधान पक्ष से इन लोगों मारपीट हुई, इसमें दीपक घायल हुआ है। दीपक के द्वारा बहन की छेड़खानी मारपीट आदि की रिपोर्ट लिखाई गई है, घटना अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, निष्पक्ष जांच की जाएगी, जो भी एविडेंस मिली उसी जा रहा है। सर, कितने लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा? 7 लोग खिलाफ रिपोर्ट की गई है अभी तक। छेड़खानी वाली बात जो बताया है, इसके संबंध में अभी तक कोई ऐसे तथ्य नहीं आया, लेकिन ये बात सत्य है, इसके पहले प्रधान और जो घायल दीपक है, पहले प्रधान पक्ष में दीपक के खिलाफ मुकदमा लिखाया था मारपीट करने का, उसमें दीपक का चालान।